नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वज़न कैसे कम होता है। हालांकि इसके बारे में पुराने वीडियो में मैंने कुछ हद तक आइडिया दिया था, पर इस वीडियो में हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। देखो, तुमने जो आखिरी बार खाना खाया वो तुम्हारा पच गया, ठीक है? पच गया तो तुम्हारी ब्लड शुगर खाना पचाते बढ़ती है और फिर वापस से कम होती है। मैंने पहले बताया था तो ब्लड शुगर बढ़ के वापस कम हो गई, वापस नॉर्मल पे आ गई। तो कम हो गई, ऐसे नहीं कि ब्लड शुगर डाउन हो गई, वैसे नहीं, मतलब ब्लड शुगर बढ़ी और वापस नॉर्मल पे आ गई। तो ब्लड शुगर कम हो गई बढ़ करके, और जैसे ब्लड शुगर कम हो गई तो इंसुलिन भी जैसे बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ती है तो वैसे ही ब्लड शुगर कम होती है तो इंसुलिन भी कम हो जाता है ब्लड में, तो इंसुलिन भी कम हो गया। जब इंसुलिन कम होता है तो इंसुलिन कम होता है और हमारी ब्लड शुगर भी नॉर्मल लेवल पे आ गई और अब हम कुछ कर रहे हैं, मान लो हम पूरे दिन का रोजमर्रा का कुछ काम कर रहे हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, हम सोच रहे हैं, तो हमारे शरीर क्या है, अब फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। मतलब वहाँ पे वो क्या है, फैट बर्न करने लग जाता है ऊर्जा के लिए। तो जैसे ही हमारा खाना पच गया, हमारे ब्लड शुगर इंसुलिन नीचे आ गए, हम फास्टिंग मोड में चले गए और हमारी फास्टिंग विंडो चालू होती है तो हमारा फैट बर्न होना चालू हो जाता है। फैट से हमारा शरीर ऊर्जा निकालेगा, ठीक है? इससे ऐसा करते करते मतलब काफ़ी समय तक अगर हम इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है ये तो मैं नहीं पता, तो आगे किसी वीडियो में बताऊंगा जब इंसुलिन की बात करें, पर अभी समझ लो अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छी चीज़ है और एक आम इंसान के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है? अब बात आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, हमारे शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है। आप काफ़ी देर तक खाना नहीं खा रहे हो या तो आपके शरीर में क्या स्ट्रेस पड़ रहा है एक तरीके का, और उससे क्या ग्रोथ हार्मोन बनता है हमारे शरीर में, ग्रोथ हार्मोन बनता है तो हमारा शरीर फैट भी बर्न करता है और मसल भी बढ़ाता है हमारे शरीर में, ये अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि हमें जो पता है वो ये है कि वज़न कम करने के लिए हमें कैलोरी डेफिशिएंट में रहना होता है, पहले मैं ये बता चुका हूँ। अगर मेरी किसी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे पुरानी वीडियोज़ में सर्च कर लो, लगभग मैंने हर चीज़ जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ पहले बता रखी है। तो कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए, मतलब हम जितनी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे हमें कम कैलोरी खानी है, ठीक है? जितनी हम खर्च कर रहे हैं उससे कम खानी है, ऐसा होगा तो हमारा वजन कम होगा। अब देखते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से हम कैलोरी डेफिसिट में कैसे आते हैं। देखो, दो तरीके से तुम खा सकते हो। एक तो तुम जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो उसमें तुम गिना नापा तोला खा रहे हो कि मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा, और एक तुम नाप तोल के नहीं खा रहे, ठीक है? अभी बात करते हैं कि हम नाप तोल के खा रहे हैं, ठीक है? तो प्लान ईटिंग, मतलब एक आदमी का उदाहरण मान लेते हैं जो कि 2500 कैलोरी जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी है, हफ्ते में 5 दिन कसरत करता है, जो सोच रहा है कि मैं रोज का 50 ग्राम वजन कर लूँ तो लगभग उसको रोज का 400 कैलोरी का डेफिसिट बनाना है। तो अगर 2500 उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है तो उसको रोज के 2100 कैलोरी खानी है 7 दिन, ठीक है? अब हम उदाहरण लेंगे, वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने पहले बताए थे, पर अभी इस वीडियो में उदाहरण के लिए हम 16:8 वाला उदाहरण लेंगे, जिसमें हम 24 घंटे में 16 घंटे कुछ नहीं खाते और 8 घंटे में अपना खाना खाते हैं, और एक 16:1 वाला ले लेंगे जिसमें हम हफ्ते में 6 दिन खाना खाते हैं और 1 दिन खाना नहीं खाते या बहुत कम खाना खाते हैं 1 दिन, ठीक है? तो ये अब 2100 कैलोरीज को रोज खानी है तो रोज ये समझ लो 8 घंटे के अंदर इसको खाना खाना है, तो ये समझ लो एग्जांपल के लिए ले लो, उदाहरण के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर ये अपनी 2100 कैलोरी खा लेगा, 2 बार खाने में या 3 बार खाने में खा लेगा, मतलब दो मील में, मतलब 2 टाइम में जैसे सुबह और शाम खा लिया या फिर 3 बार में 2-3 सुबह दोपहर शाम 2-3 बार खा सकते हैं। ये तो हो गई, कैलकुलेटेड था, इसमें कोई खास बहुत फर्क नहीं है। अब बात करते हैं कि हफ्ते में 6 दिन नहीं, 6 दिन खाना है और 1 दिन नहीं खाना, तो इसमें हमें क्या है कि रोज का हमें 400 कैलोरी का डेफिसिट बनाना है, 7 दिनों में 2800 कैलोरी का डेफिसिट बनेगा, ठीक है? ये पूरे हफ्ते के लिए इतना डेफिसिट बनाना है हमें, ठीक है? और रोज की हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500 कैलोरी, हफ्ते भर हम अगर 2500 × 7 17,500 कैलोरी खाएंगे तो हमारा वजन उतना का उतना रह जाता है, और हमें पूरे हफ्ते के लिए 2800 कैलोरी का डेफिसिट चाहिए, तो 17,500 में से 2800 कम कर दिया तो 14,700 आ गया, इतना खाना हम पूरे हफ्ते में खा सकते हैं।
ये 14,700 आ जाएगा। अगर आप 2100 को 700 से गुणा, 7 से गुणा करोगे, 2100 को 7 से गुणा करोगे तो भी 14,700 आ जाएगा। 2100 वो कैलोरी थी जो हमने निकाली थी, 2500 मिनट में जो 400 कैलोरी का रोज का डेफिसिट रखना, तो रोज की 2100 खा सकता है, तो हफ्ते भर की 14,700 खा सकता है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो ठीक है। अब हफ्ते में इसको खानी 14,700 कैलोरी, जिसमें एक दिन ही कुछ भी नहीं खाएगा, तो बचे 6 दिन। 6 दिनों में इसको इतनी कैलोरी खानी है, तो हमने 6 से गुणा कर लिया, तो रोज की उन 6 दिनों में रोज की खा सकता है 2450 कैलोरी ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो एक दिन खाना नहीं खा रहा हो तो बचे हुए 6 दिन उसको लगभग उतने ही खाने को मिल रहा है जितना वो वैसे भी खा सकता था। वो वैसे 2500 खा सकता था, यहाँ पे 2450 खा पा रहा है, लगभग उतना ही है। मतलब उसको बचे हुए 6 दिन कुछ भी अपने खाने में बहुत कमी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे कोई अलग से डाइटिंग महसूस नहीं हो रही कि वो डाइटिंग कर रहा है अलग से उन 6 दिनों के लिए। और जो 7वां दिन था जिसमें हमने आपको उदाहरण में माना था कि 7वें दिन कुछ नहीं खाएगा, अगर उस दिन भी कोई चाहे तो 200 300 400 500 600 कैलोरी खा सकता है, अगर किसी से बिल्कुल पूरे दिन भूखा नहीं रह जाता तो उस हिसाब से आपको गणित लगानी पड़ेगी हमें। अब आता है अनप्लैंड ईटिंग, जिसमें हमने प्लान नहीं किया कि हम कितना खाएंगे, नाप तोल के नहीं खाएंगे हम। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मेन जो फायदा निकलता है ना, जो सबसे खास फायदा निकल जाता है कि इसमें लंबे समय तक आप वजन कम कर सकते हो, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ता, वो निकलता है इसमें जब आप बिना खाना नापा तोला खा रहे हो, जब आप रोज का एक जैसा खाना नहीं खा रहे। कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। देखो क्योंकि वैसे भी अगर आप डाइटिंग करते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बिना भी, तो भी आप नाप तोल करके एक जैसा खाने रोज खाते हो, तो वो तो इसमें वैसे भी हो ही रहा है। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना इसमें मिलेगा बिना नापे तोले में। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि एक पहले हम वो उदाहरण लेंगे जिसमें 24 घंटे में 16 घंटे खाना नहीं खाएंगे और 8 घंटे खाना खाएंगे ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि 16 घंटे खाना नहीं खाएंगे, 8 घंटे में खाना खाएंगे। तो लोग क्या सोचते हैं, उन 8 घंटे में दबा के जितना खा सकते हो खा लो, ऐसा नहीं करना। हम कुछ गुरु मंत्र लेके चलेंगे। एक गुरु मंत्र ये होगा कि जब हमें भूख लगेगी तभी खाएंगे, अगर हमें भूख नहीं लगेगी तब नहीं खाएंगे ठीक है। दूसरा, हमें भूख से हल्का सा कम खाएंगे, हम भूख से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, हो सके तो भूख से कम खाएंगे, भूख जितना भले खा ले भूख से ज्यादा नहीं खाएंगे, पर कोशिश हमें यही रखनी है कि भूख से हल्का से कम खाएं। जैसे अगर तुम्हें 4 फलकों की भूख है तो 3.5 खा लिए ऐसे। ये दोनों बहुत जरूरी है। हालांकि ये दोनों चीजें बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी चीज की अगर हम नहीं बात करें तो भी भूख से कम खाना और जब भूख लगे तभी खाना, ये वैसे भी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, पर ये यहाँ पे बहुत खास गुरु मंत्र है इस चीज का समझ लो। अब क्या होगा, तुम ये समझो कि तुम्हें 8 घंटे के अंदर सारा खाना खाना है। तुम 8 घंटे में मान लो सुबह 9 बजे तुमने खाना खाया पेट भर के या पेट भरने से थोड़ा सा कम खाया ठीक है। अब क्या है कि फिर तुम्हें भूख लगेगी मान लो दोपहर में 1-2 बजे, फिर तुमने खा लिया, फिर तुम्हें भूख लगेगी करीब 5 बजे के आसपास, तुमने खा लिया अपना खाना आखिरी बार। अब ऐसा है कि तुम एक बार में बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो तुम 8 घंटे में 2 ही बार खा पाओगे लगभग, क्योंकि तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी काफी देर तक, 5-6 घंटे तक भूख ही नहीं लगेगी। और एक बार में तुम थोड़ा कम खाओगे तो तुम 3 बार खाओगे, पर तुम एक फिर भी इतना दबा दबा के नहीं खा सकते, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 8 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम्हें अपना सारा खाना खाना है तो पूरे दिन में जो तुम खाओगे ना, इस बात को ध्यान रखते हुए कि सिर्फ भूख लगने भी खाना है और भूख से कम खाना है, इस बात को ध्यान रखते हुए तो पूरे दिन में तुम 8 घंटों में खाओगे ना, वो काफी ज्यादा संभावना है कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कम आ जाएगा। तो तुम स्वाभाविक तरीके से ही तुम मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा लोगे नेचुरली। अच्छा, और फिर हम दूसरे वाले की बात करते हैं जिसमें हम हफ्ते में 1 दिन खाना नहीं खाएंगे और 6 दिन खाना खाएंगे। इसमें तो सीधा सीधा ये है कि जब तुमने 1 दिन खाना नहीं खाया तो उस दिन की जो तुमने कैलोरी नहीं खाई वो तो तुम्हारा डेफिसिट बन ही गया, तो वजन कम होना है। इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसमें गुरु मंत्र यही है कि तुम जिन 6 दिन खाना खा रहे हो उनमें तुम ये ना सोच लो कि जिस 1 दिन खाना नहीं खाया उसका भी आज ही खा ले, तो उस दिन नहीं खाया तो उसका खाना भी आज ही खा ले दबा दबा करके खा रहे हो, ऐसा नहीं। कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने को ये तो ध्यान रखना है कि भूख से कम खाना है हल्का और भूख लगे तभी खाना। तो इसमें तुम अगर बचे हुए 6 दिन में भूख से ज्यादा नहीं खाओगे तो तुम्हारे डेफिसिट अपने आप ही बन गया, क्योंकि तुम 1 दिन तो खा ही नहीं रहे हो और तुमने उसके बदले में ऐसा बाकी 6 दिन खाया नहीं, तो तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट अपने आप ही बन जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा ये होता है कि तुम्हें
सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने को हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। तुम्हें ये सब ध्यान नहीं रखना कि कितनी कैलोरीज है और मतलब मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं खा ली, कम तो नहीं खा ली। और जब तुम कैलोरीज गिन के खाते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैलोरीज गिन करके अपने एक डाइट प्लान बना लिया, फिर रोज़ वही का वही खाना होता है। जब कैलोरी गिननी नहीं तो रोज़ एक जैसा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने खाने में हम थोड़ा थोड़ा नई नई चीज़ें ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम लंबे टाइम तक आसानी से कर पाते हैं, वरना दो तीन महीने में आदमी फंस जाता है जैसा खाते खाते नापा तोला खाते खाते। इसमें क्या है कि नापना तोलना नहीं है, बस इस तरीके के जो नियम कानून है उन पे हमें अटल रहना है, उनसे हमें मतलब डिगना नहीं है। मतलब तो वो अपने आप ही धीरे 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 हमारा थोड़ा 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 करके वजन कम होता जाएगा। हमें खाना नापना तोलना भी नहीं पड़ेगा और हमें रोज़ एक जैसा भी नहीं खाना पड़ेगा। तो ये फायदे हो गए। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे उपवास कर लिया हफ्ते में एक दिन और बचे हुए 6 दिन आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाया और 8 घंटे का खाना खा लिया, तो और ज़्यादा फायदा है। तो कहने का मतलब है कि आप कई तरीके की इंटरमीडिएट फास्टिंग एक साथ में भी कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग काफ़ी सारी तरीके की मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो उनमें से जो भी आपके पूरे दिनचर्या में ठीक बैठ रही है उसे कर लो। मतलब वैसे 2-3 अगर आपको साथ में करनी है या एक ही करनी है तो उस तरीके की चुन लो और उसको कर लो, ठीक है। इंटरमीटिंग फास्टिंग हम जो आपने देख लिया तपस्या जो हम करते हैं अपने धर्मों में, तपस्या जिसको बोलते हैं, ये वही चीज़ है, पहले मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने बताया कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जो होता है ना, जिसमें हम मतलब नापा तोला एक जैसा खाना खाते हैं रोज के रोज, हमारा डाइट प्लान जो होता है उससे इंटरमीटिंग फास्टिंग लंबे टाइम तक करने के लिए आसान रहती है। और क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में कम खाना है, नापा तोला खाना है, एक जैसा खाना है। इंटरमीटिंग फास्टिंग में क्या है कि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हेल्दी खाना है, जो भी इंटरमीटिंग फास्टिंग के जो नियम कानून है उन पे चलते चलते। जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें फिर क्या हम धीरे धीरे हमारा दिमाग उफतने लग जाता है कि यार कम भी खाओ, रोज नापा तोला खाओ, एक जैसा खाना खाओ, दिमाग उफतने लग जाता है, फिर ज़्यादा लंबे टाइम नहीं होता। इंटरमीटिंग फास्टिंग में क्या है कि शुरू शुरू में तुम्हें 16 घंटे तक नहीं खाने की आदत नहीं होगी लगातार, तो तुम्हें लगातार 16 घंटे तक आदत डाल होगी, भले महीना 1.5 महीने में धीरे धीरे करके 12 घंटे से चालू करके धीरे धीरे करके आदत डाल लो, ठीक है। पर एक बार आदत पड़ जाती है तो उसके बाद में दिक्कत नहीं होती, या फिर तुम्हें एक दिन पूरा भूखा रहने की आदत नहीं है, एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार तक तुम्हें दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तुम्हें अजीब ही नहीं महसूस होगा, तो उल्टा तुम्हें अच्छा महसूस होने लग जाए, तुम्हें लगा तुम्हारे शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। मैंने करके देख रखा है काफी बार, तो मुझे पता है। तो मतलब इसमें क्या है कि आदत बन जाएगी तो हमें वैसे दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें हमें ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही खाना खाना है, नाप तोल करके खाना है, आज इसकी आदत बन गई हमें तो धीरे धीरे इसमें हम काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि हम कैलोरी डिफिशिट में रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा वजन अपने आप कम होने लग जाएगा, हमें रोज़ अलग अलग खाने को मिल सकता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हेल्दी खाना खाना है। और हमारे दिमाग में ये भी रहता है, जैसे अगर मैं हमारे दिमाग में ये भी रहता है अगर मैं दिन में 16 घंटे खाना नहीं खा रहा, तो उन 16 घंटे मेरे दिमाग में ये भी तो है कि यार हाँ वो 8 घंटे आएंगे जब मैं खाना खा सकता हूँ, फिर अगले दिन मुझे ये लगेगा कि अभी तो मैं खाना नहीं खा सकता पर हाँ वो 8 घंटे आएंगे कि मैं खाना खा सकता हूँ, दिमाग में खुशी रहती है वो 8 घंटे आएंगे और उनमें कुछ नया खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वही वैसा का वैसे ही खाना है, ऐसा नहीं है कि नाप तोल करके रोज नाप तोल के खाना है। तो ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग में वजन कम करने का तरीका। इससे आपको सब समझ आ गया होना चाहिए, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के एक दो तरीके के इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपको समझाया, और भी कई तरीके के, पर इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।